What's वेलकम बैक। सो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, फेसबुक पेज आपने बना रखा है और उस पर आ गई है एक छोटी सी प्रॉब्लम जो है रस्टिकेटेड रस्टिकेटेड मोनेटाइजेशन की प्रॉब्लम है। और ये प्रॉब्लम सभी को यहाँ पर फेस करनी पड़ रही है। इसके भी फॉलोवर्स हैं 10K+, तो यहाँ पर उन सभी को इस प्रॉब्लम की फेस करनी पड़ रही है। फेसबुक पर ये रेस्ट्रिकेटेड मोनेटाइजेशन क्यों आ रहा है? और जैसे मैंने पहले वीडियो में भी बताया, दो चार वीडियो मैंने बनाए थे फेसबुक से रिलेटेड, वो आपने देखे होंगे। नहीं देखे तो वो आप जाके देख लीजिए, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है? क्योंकि देखिए, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका सॉल्यूशन हमें ढूंढना पड़ता है, और सॉल्यूशन अगर हम ढूंढते हैं तो उसका सॉल्यूशन हमें मिल जाता है। तो यहाँ पर मैंने एक दो वीडियो पहले भी बना रखे हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, और उनमें मैंने अलग अलग बातें बताई हैं, और इस टॉपिक में भी आपको कुछ अलग बातें बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर ये रेस्ट्रिक्टेड मोनेटाइजेशन क्यों आ रहा है और इसको किस तरह हटाएंगे, या फिर जो लोग पुराने मेरी वीडियोस देखे थे उनके रेस्ट्रिक्टेड मोनेटाइजेशन ऑप्शन हट गया था लेकिन वो वापस से आ रहा है, तो उसको कैसे हटाएंगे, तो वो सब कुछ मैं बताने वाला हूँ। तो अब ये मोनेटाइजेशन वापस कैसे ऑन होगा और ये रेस्ट्रिकेटेड मोनेटाइजेशन को किस तरह हम रिमूव करेंगे, तो वो बात आप ध्यान से सुन लीजिए। क्योंकि यहाँ पर मैंने खुद ने अपने पेज पर ये प्रॉब्लम फेस की है, और मैंने भी उस प्रॉब्लम को फेस करके और उसे जो ही क्लियर किया है, सही किया है, बट उसमें कुछ टाइम लगा है। देखिए यहाँ पर जैसे मैंने पुराने वीडियोस में आपको बताए हैं, पुराने वीडियो आप नहीं देखे तो आप चैनल पर जाकर रेस्ट्रिकेटेड मोनेटाइजेशन से रिलेटेड मेरे पुराने वीडियो देखो, उनमें आपको बहुत कुछ हेल्प मिलेगी। क्योंकि एक एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि रूल्स रेगुलेशन बहुत हार्ड कर दिए हैं फेसबुक ने, और उन सब रूल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इस वीडियो को देखने के साथ साथ आप पहले वाले वीडियो को भी देखेंगे तो आपको जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो हट जाएगी, क्योंकि सबके अलग अलग प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है? तो वो सब कुछ बातें मैंने बता रखी है, और इस वीडियो में भी मैं आपको बता देता हूँ कि अपने पेज पर जो भी डुप्लीकेट पोस्ट है उसे आप डिलीट करें, ठीक है? जो भी डुप्लीकेट वीडियो रील्स वगैरह है उन्हें आप डिलीट करें, और आप फेसबुक पेज चलाते हैं और आप फेसबुक पेज पर जो पोस्ट कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं और उस कंटेंट को आप कहीं और भी पोस्ट करते हैं तो वो भी आपको नहीं करना। अगर ऐसा कुछ है तो वो पोस्ट भी जल्दी से हटा दीजिए, ठीक है? एंड टाइटल डिस्क्रिप्शन हैशटैग आपने एक ही यूज किए हैं जितने भी वीडियो पे, ऐसे आपने एक वीडियो पोस्ट कर रहे हो आप, उसका आपने टाइटल डिस्क्रिप्शन हैशटैग लिख लिया। लिखने के बाद आप उसको कॉपी करके और अब नेक्स्ट वीडियो गैलरी में से उठा के आप सीधा उस डिस्क्रिप्शन हैशटैग को पेस्ट कर देते हो, तो वो बार बार रिपीट हो जाता है, तो वो भी आपको नहीं करना है, ठीक है? यहाँ पे हर एक बात आपको काम लगा के सुननी है यहाँ पर, ठीक है? क्योंकि 10K फॉलोअर्स करने में कितनी मेहनत लगती है आप भी जानते हैं, और 10K फॉलोअर्स के बाद जो मोनेटाइजेशन ऑन होता है उसके बाद अर्निंग चालू होती है। फिर अर्निंग चालू होने के बाद जैसे ही अर्निंग अगर स्टार्ट हो गई है और उसके बाद बंद हो जाए तो फिर थोड़ा अजीब सा लगता है, थोड़ा डिमोटिवेट होना पड़ता है। तो ये रेस्ट्रिक्टेड मोनेटाइजेशन से आप डरिए मत, कोई भी घबराने की बात नहीं है, आ जाता है, सभी के आ रहा है। तो इसका सोल्यूशन मैंने बता दिया है,
और मेरे पिछले वीडियोस आप देख सकते हैं, ठीक है। एंड इसमें देखिए आपको, अगर आपने जैसे रिक्वेस्ट डाल दी है फेसबुक पर कि रेस्ट्रिक्टेड मोनेटाइजेशन हमारा जो है कि हो गया है पेज पर, और फेसबुक टीम इसे आप रिमूव कर दीजिए, जैसे आपने फेसबुक टीम पे जो है कि मेल कर दिया है, और मैसेज या फिर मेल आपने कर दिया है, बहुत ही अच्छी बात है। अब थोड़ा वेट कीजिए, और आप बार बार भी रिक्वेस्ट ना करें। जैसे रिक्वेस्ट का जो ऑप्शन है, तो वो रिक्वेस्ट का ऑप्शन है वो जस्ट लाइक कि आप रिक्वेस्ट करते हैं, और उसके बाद जो है कि 24 आवर के अंदर वो वापस हाईलाइट हो जाता है, तो आप वापस से रिक्वेस्ट करते हो कि जल्दी से ठीक करें। ना, ऐसा नहीं करना है आपको। अगर ऐसा करते हो आप, तो आपका रेस्ट्रिक्टेड मोनेटाइजेशन हटने में थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है, तो ऐसा ना करें। एक बार आपने रिक्वेस्ट डाल दी है फेसबुक पे, तो इंतज़ार करें। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन इंतज़ार करें, ठीक है। और अपना जो कंटेंट है, अपना पेज है, उसको पूरा एनालिसिस करें, पूरा चेक करें, और उसके बाद ही आप अप्लाई करें रिक्वेस्ट के लिए। पहली बात तो ये आप, मैं आपको बता दूं कि जो भी आपकी ये आईडी पे फेसबुक पेज पर जो भी डुप्लीकेट कंटेंट है आपका, उसको रिमूव कर दीजिए जल्दी से, पहले तो हटा दीजिए उसे, ठीक है। कोई भी आपने टाइटल और डिस्क्रिप्शन हैशटैग आपने जो यूज किए हैं, वो भी हटा दीजिए, ठीक है। और कंटेंट आप पोस्ट करते रहिए, ठीक है। कंटेंट आप पोस्ट करते रहिए अपने फेसबुक पेज पर, आपको पोस्ट करते रहना है। ये नहीं कि आपके पास रेस्ट्रिक्टेड मोनेटाइजेशन आ गया तो आपको पोस्ट नहीं करनी है, आप बैठ जाओगे, नहीं, ऐसा नहीं करना। आपको पोस्ट करते रहना है, जो व्यूअर्स आएंगे आपके वो आते रहेंगे, बस वो काउंट नहीं होंगे रील्स के अंदर, जो भी बोनस आपको मिल रहा है उसके अंदर, बट आपको वो हेल्प करेंगे रेस्ट्रिक्टेड मोनेटाइजेशन को क्लियर करने। तो अब आप थोड़ा पेशेंस रखें, ये पेशेंस बहुत ज़रूरी चीज़ है। फर्स्ट लाइक कि मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि 48 आवर के अंदर या 72 आवर के अंदर इसका जो भी रिस्पॉन्स आ जाता है, और आप फेसबुक पेज को आप क्रोम ब्राउजर में क्रिएट स्टोरी पे जाकर देख सकते हैं, तो वो आपका सोल्यूशन मिल जाता है। कभी कभी टाइम लग जाता है, तो इंतजार करें, पेशेंस करें, जल्दीबाजी करने की कोशिश ना करें, ठीक है। आपका रेस्ट्रिक्टेड मोनेटाइजेशन हो जाएगा क्लियर। नाउ वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें। ओके, नाउ एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ, एक चीज और सुन लीजिए ध्यान से। जस्ट लाइक कि आपने फेसबुक पेज पर 10K फॉलोअर्स है, और पे आउट का जो ऑप्शन है वो आपको फेसबुक मेल कर रहा है बार बार, मतलब मैसेज कर रहा है, नोटिफिकेशन भेज रहा है, फेसबुक की जो बेल आइकन है उस पर मीटिंग मैसेज भेज रहा है कि आपका जो पे आउट का जो ऑप्शन है उसे सही कर लीजिए, उसे एड कर दीजिए। अब यहाँ पर फेसबुक दो ऑप्शन दे रहा है आपको पेमेंट रिसीव करने का। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है जो है पेपल का ऑप्शन है, ठीक है, और सेकंड यहाँ पे बैंक ट्रांसफर का है। तो आप उसे अपने हिसाब से चेक कर लें, और अप्लाई कर दें, ठीक है।